ये तीसरा बच्चा मरा हमारी डबका, बड़ी वाली डबका, बड़ी वाली डबका तीसरा बच्चा मरा है। और अभी सबसे बड़ी खुशी की बात देखो ये कि जो हमारा फराज है उसके माशाल्लाह से बेटा हुआ, अल्लाह पाक ने उसको अपनी नेमत से नवाजा बिलाल की तरह, जो मुझे ऐसा लगा था, जो तेरी तस्वीर देखी थी ना मैंने, मुझे बिल्कुल तेरे ऐसा लग रहा था। दिनों बाद शेरोज भाई भी हमारे सेटअप में आए, क्योंकि यहाँ नहीं था, इनकी शायद नाराजगी चल रही थी। और शेरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों अभी आते ही एक और नुकसान ये सदर के हाथ में, ये तीसरा बच्चा मरा है हमारी डबका, बड़ी वाली डबका, बड़ी वाली डबका तीसरा बच्चा मरा है। हाँ बिल्कुल, स्टिकर बना हुआ बच्चा। और ये मरने की वजह क्या है कि उस वाली बास्केट में जाके दो दो तीन तीन डब बैठी हुई, अभी अंडे थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डब और बैठी हुई थी, उसका जो बच्चा निकला हुआ था वो बच्चा बड़ा वाला है, एक है और एक अंडा भी रखा हुआ है। उस वाली बास्केट में सारी वो डब जाके बैठ रही है, अंडे दे रही है, और वो बेचारी पागल बनी हुई बैठी हुई शायद के मेरे अंडे, जब से उसका एक बच्चा पहले निकल चुका लेकिन फिर वो अंडों को इनक्यूबेट कर रही है सारे, और जो अभी नया बच्चा निकला था वो बिल्कुल स्टिकर बन गया है। और अभी सबसे बड़ी खुशी की बात देखो ये कि जो हमारा फराज है उसके माशाल्लाह से बेटा हुआ है, भाई मुबारक हो, अल्लाह पाक ने उसको अपनी नेमत से नवाजा। तो अभी यही सबको मिठाई खिला रहा, अभी खुर्रम को थोड़ी सी मिठाई कम पड़ गई थी, तो खुर्रम और बिलाल जाके मिठाई लेके आए। क्या बनेगी? फराज भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटा हुआ है, और माशाल्लाह बेटा इसका बहुत प्यारा, जब मैंने देखा था मुझे बहुत प्यारा लगा था, और बिल्कुल जो उसका बचपन है वो इसकी तरह है, बिलाल की तरह, जो मुझे ऐसा लगा था, जो तेरी तस्वीर देखी थी ना मैंने, मुझे बिल्कुल तेरे ऐसा लग रहा था। आप तो हो सकता है फराज जैसा हो गया, जैसी बात है बाप में तो मिलेगा ना, बात तो सही है। और आज काफी दिनों बाद शेरोज भाई भी हमारे सेटअप में आए, क्योंकि यहाँ नहीं था, इनकी शायद नाराजगी चल रही थी। और शेरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और आपकी भी सुना शादी होने वाली है? अभी नहीं, क्यों डर गए हो देख के? खुदा और मोहब्बत वाला हाल हो गया, किताबें लेके घूमनी पड़ेगी हाथ में। और ये शाह साहब भी कह रहे टेंशन में बैठे कि मेरी कब होगी, शेरोज अल्लाह मेरी नहीं होगी, ये शायद आजाद को देख के डर रहा है, और शाह साहब भी इंतजार में बैठे कि मेरी की शादी कब होगी। बहुत तेज हो रहा है शाह साहब, हो जाएगी टेंशन नहीं लो। अभी हम लोगों ने तो मिठाई खा ली थी, और ये खुर्रम मिठाई खोल रहा, उल्टा डब्बा खोल रहा है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? हाँ ये मिठाई आ गई है, अब जो जो रह गया था उसको मिठाई दे दो। जब हमारा मुन्ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर उसको सेटअप पे लेके आएंगे, ताकि वो जानवर वगैरह देखेगा बच्चा, बहुत ज्यादा खुश भी होगा। तो बस ये है कि आप सब उसके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उसकी नसीब भी अच्छा करे, वो जल्दी से बड़ा भी हो जाए, ताकि ये हमारे सेटअप पे आए। मैंने मिठाई खा ली है, जो आई थी उसमें से ये कि सबने टुकड़ा टुकड़ा करके ले लिए, पहले खा चुके थे, अभी दोबारा मंगाई थी, थोड़ी सी कम पड़ गई है मिठाई। और जो काम में कल सरद को बोला था, सरद केक तैयार कर रहा था, ये आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ, तो ये देखें आज भी इसमें कुछ काम नहीं हो सका। अब ये है कि देखते हैं अब ये कब करता तैयार, क्योंकि कल मैं तो बोल दिया था भाई मैं अपनी करवाऊँगा इसको तैयार, खुद करना। और जो इसने पौधे वगैरह काटे थे वो पौधे कहाँ रखे? बेलो काटे कहाँ? गमले में। तो उसने वापसी उसी गमले में लगा दिए थे, और वो बेल ये है कि काट के अगर लगाओ तो फौरन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी टेंशन नहीं थी। यार इसके जो काम है ना वो इतने ख़राब हैं जिसकी कोई हद नहीं, इसको मैं दिल चाहता है पकड़ के एक जगह बांध दूँ। यहाँ से लकड़ियाँ इसने काट दी, अब यहाँ तक इसका मुँह नहीं जा रहा, अभी मैंने देखा इतनी सारी लकड़ियाँ नीचे पड़ी है, मैंने सोचा ला कहाँ से रहा है, तो ये देखें अंदर वाली छत जो है इसने ये भी पूरी ख़राब कर दी। यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो ऊपर हमने मसाला डाला था मसाला रह गया, और यहाँ से पूरी लकड़ियाँ निकाली, देखें इस तरह ये मुँह लिया था, नीचो इसके काम बस ये है नुकसान करना, कोई भी फ़ायदा का काम नहीं, खुद तो नुकसान करता ही करता है, साथ में उस बच्चे को भी मार रहा होता, छोटा वाला बेचारा जब भी वो इतना कितना ही रह गया, और उसको मुसलसल मार रहा होता, या तो उसको मारेगा या तो फिर ये काम नुकसान कर रहा होगा। तो जो हमारी बड़ेली बता गया राजंस, ये बेचारी बाहर आने के लिए बहुत परेशान हो रही थी, और सदा इनको बाहर निकालना। अभी तो यार सबसे पहले इनका नाम रखना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनका नाम क्या रखें। मेरे जहन में मोर का नाम था, जो हम लोग मोर लाए थे, तो उनका नाम राजा रानी रखेंगे, लेकिन बेचारे रहे नहीं, अब क्या करें,
इनका नाम कोई अच्छा सा सोचेंगे, उसके बाद इन दोनों का नाम रखेंगे। रोमियो तो हमारा अकेला ही है, इसके साथ इसका पार्टनर है। और रोमियो के लिए डायमंड भी लानी है जल्दी से, एक डायमंड जो इसकी मर गई थी बेचारे की, तो वो भी जल्दी से ले आएंगे। मैं खड़ा बकरे को उठा रहा, पता नहीं क्या वो सादा एकदम से बाहर भागा है, तो देखता हूँ कि क्या सीन हुआ, कहाँ पर क्या हुआ सर। ओहो तो ये देखें सादा इनको भगाने भागा, ये दो टाइगर्स कुत्ता आ गए थे। तो क्या है यहाँ पे, क्यों भागा था ये बत्तख को, अपनी बत्तख बाहर थी ना। हाँ बत्तख आई थी वो गेट पे, और ये गेट पे खड़े हुए थे। अच्छा यहाँ गेट पे हमारा रोमियो खड़ा हुआ था, तो सारा एकदम से बाहर भागा रोमियो को अंदर करके। मैं जब भी बाहर भागा था मैं ये कि देखूँ हुआ क्या है, तो वो कुत्ता आ गए तो उनको भगाने भागा था सारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मित्र आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बच्चों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।